अपना ख्याल रख रहे होंगे। और सर्दी आ गई है, हल्की हल्की सर्दी काफ़ी भी हो रही है, वेदर चेंज हो रहा है, और उसमें एंजॉय भी कर रहे होंगे, गरम गरम पकवान खा रहे होंगे और चाय शाय पी रहे होंगे और कीपिंग योर सेल्फ वार्म। और दिवाली भी बहुत करीब है, दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई होगी। ज़्यादातर लोगों ने अपने घरों को पेंट करवाते हैं, घर की सफाई करवाते हैं, क्योंकि जितना साफ़ सुथरा होगा घर, और हमारा धर्म भी कहता है कि साफ़ रखना चाहिए और स्वच्छ रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास हमेशा वहीं होता है जहाँ पर सफाई होती है, अच्छा अच्छा होता है घर, और घर में अच्छा एक वातावरण होता है। तो आते हैं आज की वीडियो के ऊपर, आज के मैच के ऊपर, जहाँ पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच खेला गया। क्लाइमैक्स था, ऐसा लगा कि ये सेमीफाइनल का एक क्लाइमैक्स है, दोनों दोबारा नज़र आएगी सेमीफाइनल खेलते हुए इस वर्ल्ड कप के लिए। और नो डाउट आज साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल ही जो है, पहले तो बैटिंग में बहुत मारा उनको, हैमर्ड किया, खास तौर से ड्यूसन ने और क्विंटन डीकॉक ने। व्हाट अ प्लेयर ही इज़, सुपर प्लेयर। मतलब 200 रन की पार्टनरशिप भी हुई इन दोनों के दरमियान। और पुणे में मैच खेला गया, टॉस जीता न्यूजीलैंडर्स ने, और न्यूजीलैंडर ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। आई थिंक बॉलिंग करने का फैसला एक तरह से सही भी था, लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका बैटर्स ने आके आज ताबड़तोड़ हमलेबाजी की, क्योंकि जो पिछला मैच साउथ अफ्रीका जीती थी, हमेशा कहते हैं कि चोकर्स है साउथ अफ्रीका, चोक हो जाती है, लेकिन जो चोक होता हुआ मैच नज़र आ रहा था वो था पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें वो हो सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट फॉर पाकिस्तान के वो मैच जीतते जीतते ना जीत सकी, और साउथ अफ्रीका हारते हारते वो मैच जीत गई। एक कॉन्फिडेंस मिला एक उनको कि नाउ वी हैव टू प्ले प्रॉपर क्रिकेट, और जिसकी वजह से आज साउथ अफ्रीका ने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली है। मतलब बैटिंग में तो उन्होंने कमाल कर दिया। क्विंटन डिकॉक ने 114 रन की पारी करी 116 बॉल में, 10 चौके 3 छक्के। मतलब जब ये क्रिकेट की दुनिया में आया था क्विंटन डिकॉक, उसी दिन से लगा था कि इस लड़के में हाईली टैलेंटेड प्लेयर है, ये हाईली रेटेड हो गया था जैसे ही वो क्रिकेट की स्क्रीन पर आया था, और इसने फिर जलवे दिखाना शुरू कर दिया। जब वो आईपीएल में भी खेलता तो ऐसा खेलता है, एंड ही नोज द विकेट वेरी वेल ऑफ पुणे, ही इज़ बिन प्लेइंग आईपीएल फॉर सो लॉन्ग, एंड ही जस्ट बैटेड सुपर्बली। कीवीज के बॉलर्स के पास, न्यूजीलैंडर्स बॉलर्स के पास कोई चांस नहीं था, कोई इनको एक एज भी नहीं मिला कि कैसे इसको पकड़ा जाए, कैसे इसको आउट करे, क्योंकि एवरीथिंग वॉज गोइंग आउटसाइड द बाउंड्री। जिस तरह वो बैटिंग कर रहा था, बहुमा जो कैप्टन है वो अर्ली आउट होते, बॉल्ट उनको आउट करते, लेकिन आ जाते फिर वैन ड्यूसन। कीवीज को लगा कि चलो भाई एक ब्रेक थ्रू मिला, एक मिला है तो दूसरा मिलेगा, लेकिन उनको क्या पता था कि इन दोनों के ख्याल डिफरेंट है। आज दोनों आज बैटिंग करने वाले, लंबी बैटिंग करने वाले, और लंबी बैटिंग से जो है आज हमको बहुत मारने वाले। तो ड्यूसन ने भी ये किया, 133 की इनिंग्स के लिए 118 बॉल के अंदर, स्ट्राइक रेट 112 का, मतलब कमाल है, कमाल की बारी की है इसने। ऐसा आसान लग रहा था कि यार, ऐसा लग रहा था कि हम क्रिकेट खेलते हैं ना, वो किताब वाली क्रिकेट, चौका छक्का चौका छक्का, मतलब मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है, कोई कोई भी बॉलर आ रहा है उसको बिल्कुल भी मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, चल भाई तू आया, चाहे स्पिनर हो फास्ट बॉलर हो, ही वॉज बैटिंग सुपर्बली। 118 बॉल के अंदर 133 रन करना, फिर उसके पास जो थोड़ी बहुत कसर थी वो बेचारे मिलर साहब ने भी पूरी कर दी, उन्होंने भी धोया इनको सही से, 30 बॉल ने 53 कर दिया, 176 का स्ट्राइक रेट। हमेशा कहते हैं ना मिलर इज़ अ किलर, और उसने किलिंग वाली बैटिंग करी, पहले ऊपर से डीकॉक और वैन ड्यूसन ने मारा, फिर उसके बाद जाके मिलर ने मारा, और मतलब के मार मार के भूसा निकाल दिया इनका। अभी तो नॉट आउट रह गए कार्लसन और माकरम, अगर ये थोड़े सी 60 ओवर का मैच होता तो ये तो 500 रन कर जाते जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने को 357 रन किया, बड़ा ज़बरदस्त टोटल बनाया पहले बैटिंग करते हुए। दे मेक श्योर डैट वी डोंट गिव एनी थिंग टू न्यूजीलैंडर्स, कि दे वॉन्टेड टू गेट अबव 300 प्लस रन, और जिस तरह उन्होंने बैटिंग करी है वो 300 प्लस वाली बैटिंग करी है। न्यूजीलैंडर्स के बॉलर्स ओपनिंग स्टार्ट बॉल्ट और मैट हेनरी, मैट हेनरी वॉज ओनली, वो इंजरी हो गई थोड़ी उनको, 5.3 ओवर्स ही किए 31, विच इज़ अ वेरी अच्छा साइन नहीं है इनके लिए, न्यूजीलैंडर्स के लिए, क्योंकि ये बड़ा की बॉलर है, नया बॉल से थोड़ा बॉलिंग करता है, आई होप ही विल रिकवर हो जाएगा। ये उसमें 31 रन दिए थे। सऊदी ने 10 ओवर में 77 रन दिए, दो खिलाड़ियों को आउट किया, फिर सेंटनर 10 में 58, ग्लैन फिलिप 752, रचिन रविंद्र ने दो ओवर कराए सिर्फ और 17 रन दे दिए, और क्योंकि ओवर ख़त्म करने थे तो निशम से जो है कंप्लीट कराया गया ओवर, 5.3 आई थिंक 5.3 उनको ज़्यादा दे दिए ओवर, उसकी जगह पर ये ग्लैन फिलिप से ही कंटिन्यू करवाते, और मे भी शायद जो है ग्लैन फिलिप्स से कंटिन्यू कराते और इनके खाली दो ही ओवर बनते निशम के, निशम को भी किटास लगी ठीक ठाक, 69 रन दे दिए 5.3 के अंदर। न्यूजीलैंडर्स को आज सबक सीखने मिला होगा, नो डाउट केन विलियमसन जो अनफॉर्चुनेट है न्यूजीलैंडर्स के लिए, जो कप्तान थे वो नहीं है, टॉम लेथम कप्तान है। केन विलियमसन
बिल्कुल बैठ के वही कर रहा होगा कि यार इतनी ज़बरदस्त ट्रैक्स मिल रहे, इतनी ज़बरदस्त विकेट मिल रही है और मैं अवेलेबल नहीं हूँ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं इस मुकाम पे नहीं हूँ, मेरी टीम टॉप 4 में आ चुकी है, अभी उनको वहाँ रहने के लिए मैचेस जीतने पड़ेंगे। आई वॉन्टेड, मतलब केन विलियमसन की कमी नज़र आ रही है, डेफिनेटली केन विलियमसन शुड हैव बीन अ मेजर फैक्टर फॉर टीम न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने आती है, अर्ली ऑन विकेट्स गिरना शुरू करती है। मार्को यनसन जो लीड कर रहे विकेट टेकर बॉलर में इस टूर्नामेंट के अंदर, ही इज बॉलिंग सुपर्बली। मतलब के कॉनवे जो हमेशा से एक डेंजरस प्लेयर रहे है, उनका जब बल्ला चलेगा तो बहुत ही बड़े रन्स करेंगे वो, और वो चलने वाला है बहुत अर्ली, अभी बस कुछ मैच दूर है जब कॉनवे जो है बड़े स्कोर करेगा। अर्ली ऑन आउट किया यानसन ने, विल यंग और अचिन रविंद्रा खेले, रविंद्रा जो काफ़ी अच्छी फॉर्म में कंसिस्टेंट रन्स करते जा रहे, 100 करते जा रहे, उनको भी जो है मार्को यानसन ने आउट किया, क्योंकि वो बॉलिंग ऐसी कर रहा है, तेज़ है, लंबा है, हिट करता है डेक को, और वो गुड लेंथ से बॉल जो उठाता है ना वो खेलना मुश्किल है। देखा साउदी और इन्होंने सबने बॉलिंग करी पीछे की, लेकिन वो गुड लेंथ से नहीं उठा पा रहे थे जिस तरह गुड लेंथ से मार्को यानसन उठाता है गेंद। फिर उसके बाद फास्ट बॉलर्स ने अपना काम किया, कोट्जर ने बहुत ही एक ज़बरदस्त डिलीवरी करी जिस पे विल यंग को कॉट बैंड कराया क्विंटन डिकॉक के हाथों। फिर उसके बाद फास्ट बॉलर्स का काम होता है कम, रबाडा आते हैं, रबाडा पिछला मैच नहीं खेले थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, तबरे शमसी खेला था, आज वो लेके आते हैं रबाडा को, रबाडा लेथम को जो कप्तान है, जो बिल्कुल ही ऑफ कलर चल रहे पूरे टूर्नामेंट में अभी तक फिलहाल, और दिस दैट्स लुक्स अ वेरी वरिंग साइन फॉर टीम न्यूजीलैंड। लेथम नीड्स टू पुट अप अ स्कोर, नीड्स टू गेट रन अंडर हिज बेल्ट, उसको बनाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर ग्लैन फिलिप्स जो हमेशा कुछ ना कुछ रन्स करते आ रहे नीचे से, एंड ही इज पुटिंग न्यूजीलैंडर्स की वो ग्रिप है, जो फिनिशिंग वाला रोल है वो अच्छे से निभा रहे ग्लैन फिलिप्स। लेकिन फास्ट बॉलर ने काम पूरा किया, स्पिनिंग डिपार्टमेंट में सैंटना, नो डाउट इस छोड़िए अभी तक बाहर बैठे हुए, उनको अभी मौका नहीं मिला है जिस तरह की वो लाइनअप खिला रहे। आज मार्को यानसन लुंगी निगड़ी ने ओवर किए, 6 ओवर में 28 रन दिए लुंगी, ही वॉज इकोनॉमिकल। मार्को यानसन 8 ओवर 31 रन, 3 खिलाड़ी आउट किए, रबाडा ने 1 खिलाड़ी आउट किया, जेराड कोटसे ने 2 आउट किए। ही इज़ अनदर नाइस टैलेंट, आप इसको बहुत जल्द अभी IPL की सर्किट पे देखेंगे। ही विल बी प्लेइंग विद वन ऑफ द फ्रेंचाइजीज, इज वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी गुड बॉलर, क्विक है, रैपिड है, स्किडी है विकेट पे से, एंड ही बहुत सुपर पेस। फिर उसके बाद केशव महाराज जिसने पिछला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच हुआ था बैटिंग में विनिंग रन्स कर दिए थे वहाँ 10 रन जब चाहिए थे, और आज भी जो है 9 ओवर में 4 खिलाड़ी को आउट कर दिया। आई थिंक जो इसने बोल्ड किया सेंटनर को वो एक गैप बना, अच्छा खासा टर्न हुआ लेफ्ट आर्म स्पिनर ने, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है सेंटनर उसको बोल्ड किया, विच शोज के मे बी शायद आज भी जो है तबरेज शमसी खेल सकता था। बट ये इनका कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है कि कोई विकेट देखते कि जहाँ शमसी से खुलाना है तो शमसी को लेके आते, एक फास्ट बॉलर को रेस्ट करवाते, दे आर मेकिंग अ गुड कॉम्बिनेशन। साउथ अफ्रीका इज़ वेरी डेंजरस, मैंने तो पहले बहुत पहले एक बात की थी कि यार मोस्ट लाइकली साउथ अफ्रीका एंड इंडिया का ये फाइनल नज़र आ रहा है अभी। यहाँ पर ये जिस तरह के मैचेस हुए, रिकॉर्ड्स भी बने आज, पार्टनरशिप हुई वर्ल्ड कप के लिए 200 प्लस की साउथ अफ्रीका की तरफ से, ड्विंकन कॉक के 100 है, विंसन वैन डिसन के 100 है, मतलब रिकॉर्ड्स तो बन रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी पॉइंट्स टेबल, बिकॉज रिकॉर्ड्स तो बनते ही है टूटने के लिए, और रिकॉर्ड्स बन रहे। साउथ अफ्रीका वापस टॉप पे चले गया 7 में 12, 6 में 12 है इंडिया। इंडिया अभी कल अपना मैच खेलेगी, बड़े मार्जिन से मारना चाहिए इंडिया को श्रीलंका के अगेंस्ट, ज़बरदस्त क्रिकेट खेलनी चाहिए इंडियन को, और कल बिल्कुल ही क्रश कर देना चाहिए श्रीलंका को, उनको कोई मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन श्रीलंका का कुछ पता नहीं है कि ऑन द गिवन डे दे प्ले वेल, लेकिन वो भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेकिन उनको अभी वो 7वें नंबर पे मौजूद है जिसमें से उन्होंने 6 में से 4 मैच हारे, 2 जीते सिर्फ। लेकिन आई थिंक इंडिया जिस तरह कॉम्बिनेशन के साथ जा रहा है, जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, दे विल गो विद द सेम 11 विच दे प्लेड लास्ट गेम, और इसी प्लेइंग 11 के साथ दे नीड टू पुट अप अ गुड शो। अनफॉर्चुनेट विराट से रन नहीं हुए थे पिछले मैच में, लुकिंग फॉर विराट टू गेटिंग अनदर 100, ब्रेकिंग अप द ग्रेट सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। बट टॉप 4 के अंदर साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, 8 अभी 5वें पे है, 7 मैच खेल के 6 पॉइंट है पाकिस्तान के, और 6 मैच खेल के 6 पॉइंट है अफगानिस्तान के। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पर अभी, न्यूजीलैंड जो टॉप 2 में थी वो नीचे आ गई, 4 में चली गई। न्यूजीलैंड को यहाँ पर अभी कोई मैच हारने की आवश्यकता नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को ये अगर दोनों मैच, ये दोनों टीमों अगर कोई मैच नहीं हारती है, कंसिस्टेंट जीतती है, तो दे विल क्वालिफाई इजिली। अगर न्यूजीलैंड अभी एक और मैच जीतती है, गेट विल बी ओपन फॉर पाकिस्तान और
अफगानिस्तान, सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑस्ट्रेलिया भी अभी एक आध जो मैच हारती है तो ये गेट ओपन कर देगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए स्नीक इन करने के लिए फॉर द सेमीफाइनल स्पॉट। पाकिस्तान विल डेफिनेटली वांट टू विन ऑल द गेम्स। इंग्लैंड भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, बॉटम पेयर है, डिफेंडिंग चैंपियन है। ये देखिए इसके साथ क्या होगा, 17 टीमें जानी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जो क्वालिफाई करेगा वो टॉप सिक्स टीम क्वालिफाई करेगी, बाकियों को फिर खेलना पड़ जाएगा क्वालिफाई करने के लिए। तो ये भी एक नज़रिया है जिसमें ये बहुत सारे अपसेट्स हो सकते हैं। इंग्लैंड कभी भी क्वालिफाई राउंड करके पहुंचा नहीं है, लेकिन इंग्लैंड जिस तरह सिचुएशन में लग रहा है, लाइकली लगेगा कि वो जब पाकिस्तान के साथ खेलेगी, ठीक है उनका कोई चांस नहीं है इस वर्ल्ड कप में, बट दे डोंट वॉन्ट टू बी प्लेइंग फॉर क्वालिफाइंग राउंड। उनको क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं चाहेंगे कि वो क्वालिफाइंग राउंड खेले, क्योंकि उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। और इट्स एंड वेरी वेरी बेइज्जती फॉर टीम इंग्लैंड। जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड चैंपियन रही, वो रही, सब कुछ रही, आज देखिए वो वर्ल्ड कप में भी नहीं है। अफगानिस्तान वहाँ मौजूद है, नैदरलैंड्स वहाँ मौजूद है, और डेफिनेटली बांग्लादेश के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि 7 मैच खेल के 2 पॉइंट्स लिए, वो तो एलिमिनेट हो चुकी है, इस टूर्नामेंट से बाहर ही हो चुकी है। और या डेफिनेटली टुडे साउथ अफ्रीका की जीत काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया होगा, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ अभी जाएगी, पूरे मैचेस खेलेगी, इनको अभी कोई मैच हारने की जरूरत नहीं है। इफ दे वांट टू प्ले द फाइनल्स दे वांट टू विन एवरी गेम। इंडिया की जहाँ तक बात है, लोग कुछ बात कर रहे थे कि यार इंडिया को एक मैच अगर वो हारती है तो थोड़ा ये होगा, मैं समझता हूँ कि कोई हारने की बात नहीं है। यू जस्ट गो आउट फॉर अ विन, यू जस्ट गो आउट प्ले ईच गेम ऑन द मैरिट, और सारे मैचेस जीतेंगे तो वर्ल्ड कप का फाइनल भी जीत जाएंगे। एक मैच ऊपर नीचे गया तो उससे झटका लग सकता है टीम इंडिया को, ये एक खतरे की घंटी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि वो बाउंस बैक जो है कभी करती है कभी नहीं करती है। बट इंडिया के लिए यही है कि जीते सारे मैचेस, राउंड के मैच, उसके बाद सेमीफाइनल में जीतना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि इंडिया नॉकआउट राउंड में जाती तो वहाँ थोड़ी सी डिले हो जाती है। आई थिंक ये इनको जो इनका चीज़ है वो अपने से निकालनी पड़ेगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। नाउ वी नीड टू विन थ्रू आउट एंड विन दिस वर्ल्ड कप। इसी साथ आपसे लूंगा अलविदा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, प्लीज़ टेक केयर। सर्दी का मौसम है, गर्म गर्म चाय पिए, कॉफ़ी पिए, पकवान खाए, दिवाली भी करीब है, और बीमार शुमार ना होइएगा क्योंकि ऐसा वेदर है, वायरस फैला हुआ है, एलर्जीज वगैरह है। तो प्लीज़ रियली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड नाइट एंड बाय बाय।